राजधानी रायपुर के सबसे बड़े दशहरा मैदान WRS में दशहरे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कारीगर रावण के पुतले को अंतिम स्वरूप देने में लगे हुए हैं। वहीं आयोजककर्ताओं ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 101 फीट का रहेगा। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 85 फीट का रहने वाला है। आतिशबाजी की बात की जाए तो पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल आतिशबाजी काफ़ी शानदार होगी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दशहरा मैदान में शामिल होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के सबसे बड़े दशहरा मैदान WRS में। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में सबसे बड़े मैदान दशहरा मैदान को कहा जाता है। यहां लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है रावण दहन की। आप देखेंगे कि किस प्रकार से रावण का जो सिर है वो बनकर तैयार हो चुका है। वहीं इसकी जो तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। अब बाहर भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही है। वहीं मेरे साथ अभी यहाँ के जो कारीगर हैं, जो रावण के जो ये जो मूर्ति है उसको अंतिम स्वरूप दे रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कितनी मेहनत लगती है रावण का ये जो मूर्ति है वो जो इसको दहन करना है उसको बनाने में। भैया, तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है, क्या कुछ बचा है अभी? लगभग पूर्ण हो चुकी है, अभी लगभग एक दिन का काम बचा हुआ है। लगभग अभी शाम रात तक हम लोग पूरा कम्प्लीट कर लेंगे इसको। कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये लगभग एक से डेढ़ महीने का काम होता है। लगभग से हमारी 60 से 70 लोगों की टीम है, ये पूरा लगे हुए रहते हैं। 60 से 70 लोगों की टीम हमारी नेशनल क्लब है एक्चुअली, उसमें 10 से 15 लोग हैं और कलकत्ता के अलग आते हैं कारीगर, बांस वाले कलकत्ता से आते हैं। उनका भी सपोर्ट रहता है और प्लस गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रहती है, प्लस रेलवे का भी सपोर्ट रहता है। सबके सहयोग से ही पूर्ण होता है ये चीज़। क्या कुछ अभी बचा हुआ है भैया, क्योंकि कल दशहरा? हाँ, इस बार थोड़ी सी व्यवस्था में डिले ज़रूर हुआ है और हम लोग उम्मीद और हम लोग मेहनत वही कर रहे हैं दिन रात एक करके कि रात तक के पूरे कंप्लीट कर देंगे। इसमें पेंटिंग बचा हुआ है, बस पेंटिंग हो जाएगा तो कल शाम तक के मतलब 4 या 3 बजे तक के हम लोग तीनों मूर्ति पुतला खड़ा कर। इस बार कितने फीट का रावण बनाया गया? रावण 101 फीट का होगा और क्रमशः मेघनाथ और कुंभकर्ण 85-85 फीट के होंगे। अगर बात की जाए और दहन की, तो इस बार क्या कुछ खासियत रहने वाला है हर साल की अपेक्षा? रावण इस बार थोड़ा सा रूप चेंज है, विकराल रूप में रहेगा रावण और जो उसका पहनावा रहेगा वो थोड़ा राजस्थानी लुक में रहेगा। उसका जो ड्रेसअप वगैरह रहेगा वो राजस्थानी लुक पे रहेगा और आतिशबाजी इस बार अलग है हर साल की तरह। WRS का रावण ऑलरेडी फेमस है तो हर बार कुछ ना कुछ नया ही करने का अपन सोचते हैं, तो आतिशबाजी भी मुख्य भूमिका निभाएगी इस बार भी। आतिशबाजी लगभग वही अंधेरा होने के बाद ही चालू होता है, तो लगभग 5:30-6 बजे के बाद ही चालू होगा। राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा दशहरा मैदान है, सबसे बड़ा रावण दहन यहाँ किया जाता है, इस बार क्या कुछ खास? इस बार कोई खास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत लेट कर दी है, इसकी वजह से हम लोग जैसा पिछले साल हुआ उसी प्रकार का इस साल भी होगा। क्या कुछ तैयारियाँ? अभी तैयारियाँ चल रही, पूरा नहीं हुआ, बहुत ही काम अभी भी हमारा चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि कल शाम तक पूरा कंप्लीट हो गए रावण दहन होगा। पब्लिक कितने आने की संभावना है? करीब 3 लाख पब्लिक तो आएंगे ही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी? सुरक्षा व्यवस्था वगैरह जो है वो देखते हैं, हम लोग नहीं देखते, हम लोग खाली निर्माण देखते हैं। सुरक्षा के हमारे अच्छा तो सुरक्षा तो बहुत है अभी, इसलिए वो पूरा वो डिपार्टमेंट ही अलग है, ये खाली हम लोग निर्माण कमेटी। हम लोग रावण बनाना ये सब करना हम लोग। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े दशहरा मैदान में रावण दहन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो रावण का पुतला है वो बनाया जा रहा है। इस बार पुतले की बात की जाए तो 101 फीट का रावण का पुतला रहने वाला है। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले की बात की जाए तो लगभग 85 फीट का ये पुतला रहने वाला है। तैयारियाँ लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, कारीगर अपने तैयारियों में लगे हुए हैं, अंतिम स्वरूप देने के लिए लगे हुए हैं। वहीं अंदर की बात की जाए तो रावण की जो पुतले का जो अंतिम स्वरूप है, जो सिर है, वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहां जो तैयारियां चल रही हैं, पेंटिंग हो रही है, अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं आप इस प्रकार इधर भी देखेंगे कि कैसे सभी कारीगर हैं जो उनके सर को लेके आ रहे हैं, मेघनाथ कुंभकर्ण के सर को लेके आया जा रहा है, अंतिम स्वरूप दिया जाना है इनको, जिसकी तैयारियां यहां राजधानी रायपुर के WRS के मैदान में चल रही हैं। कारीगर की बात की जाए तो कोलकाता से कारीगर मंगाए गए हैं हर साल की तरह। वहीं आयोजक समिति ने बताया कि इस बार दशहरा मैदान में लगभग
3 लाख से ज़्यादा लोगों की पहुंचने की संभावना है, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा काशी की रिपोर्ट।